सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो जब न्यू यूजर ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन बारे में सोचते होंगे कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन क्या है और ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में क्या होता है, सो आप बात आता है कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन क्या है। सो मैं आपको ये बता दूँ कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है गेमिंग एप्लीकेशन है और ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आप गेम खेल के पैसा अर्न कर सकते हैं। सो जब तक ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर लेते तब तक ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आप गेम नहीं खेल सकते और पैसा भी नहीं अर्न कर सकते। सो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर आईडी बना सकते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शाम, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल बुम्बा। सो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी अपना फ़ोन में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर अपना आईडी क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है? सो गाइस, जानने के लिए बनी रहे इस वीडियो में बिना स्किप किए बगैर शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है। सो आपके पास पहले से ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल है तो आप ओपन करके अकाउंट क्रिएट करके आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं है तो आप जो डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं, सो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। फिर आप ऊपर की ओर टाइप करके जब सर्च करते हैं सो आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन जैसा बहुत सारा एप्लीकेशन है। फिर सोचते होंगे कि कौन सा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाए। सो मैं आपको ये बता दूं, इससे बेटर होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ओरिजिनल ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद सो आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो जैसे आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर। सो आपको राइट साइड से नीचे की ओर लॉगिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप लॉगिंग के ऊपर क्लिक करेंगे सो लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, फेसबुक, गूगल और ईमेल आईडी। सो अगर आप चाहे तो फेसबुक से लॉगिंग करना यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो गूगल आईडी से लॉगिंग करना यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मोबाइल नंबर से लॉगिंग करना यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो आपको न्यू अकाउंट बनाने के लिए सो आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे सो लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं रजिस्टर एंड प्ले, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, फेसबुक, गूगल और मोबाइल नंबर। अगर आप चाहे तो फेसबुक आईडी से यहाँ पर रजिस्टर करना कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो गूगल आईडी से रजिस्टर करना यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मोबाइल से रजिस्टर करना कर सकते हैं। सो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए सो आपको मोबाइल नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो मोबाइल नंबर की और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सो नीचे की ओर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी। सो आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। सो ईमेल आईडी की और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद सो नीचे की ओर आप देख सकते हैं पासवर्ड। सो पासवर्ड क्रिएट करने से पहले ध्यान रहे कि 8 to 16 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। पासवर्ड में 1 नंबर होना चाहिए, पासवर्ड में 1 अल्फाबेट होना चाहिए और पासवर्ड में 1 सिंबल होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। सो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सो राइट साइड से आई आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप पासवर्ड देखना चाहे तो देख सकते हैं। सो देखने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का फेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ ड्रीम इलेवन टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेज। सो यहाँ पर आपको अलाउ के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का फेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर एंड प्ले ओटीपी सेंड टू नंबर। सो आपने जो नंबर टाइप किया है वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया हुआ ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। सो ओटीपी टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली लोडिंग हो जाएगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन ओपन हो चुका है। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन सिलेक्ट मैच क्रिएट टीम ज्वाइन कॉन्टेस्ट। सो यहाँ पर मैच सिलेक्ट करके टीम क्रिएट करके यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का आईडी पूरी तरह से बन चुका है।
सो इसी तरह से ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पर आईडी बनाया जाता है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग को क्या करना है, ये जो वीडियो है इस वीडियो को करना है लाइक। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा वो आप लोग करना है कॉमेंट। अगर इस चैनल पर आप नया हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ साथ साइड पे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लो ताकि इस चैनल पे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मोर इन्फॉर्मेशन मोर सॉल्यूशन बेटर टेक्नोलॉजी।